नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसको एम्स जोधपुर के द्वारा इस वैकेंसी को रिक्रूट किया गया है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, साथ में अदर भी इसमें पोस्ट रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशंस रखी गई है और फीस कितना रहने वाला है, फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है, प्लस आपका जो फी इसमें सैलरी पैकेज वो कितना रहने वाला है, प्लस लास्ट डेट क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से आपका यहाँ पे होने वाला है। पूरी डिटेल से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेगा। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी को एम्स जोधपुर के द्वारा रिक्रूट किया गया है। इसके लिए आपको इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है। देन उसके बाद में क्या करना आपको कि जो एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस की जो रिक्रूटमेंट टैब की वेबसाइट है, जहाँ पे रिसर्च रिक्रूटमेंट नोटिस, इसमें आपको धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पे जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आपको यहाँ पे 855 नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, प्रोजेक्ट के अंडर वैकेंसी रहने वाली है। 25/8/2022 से 2/9/2022 तक वैकेंसी रहने वाली है। लास्ट डेट है 2/9/2022। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इसकी लास्ट डेट है, सारा डिटेल से मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से जो नोटिस है इसको डाउनलोड करते हैं और चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिस पे और बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशंस रखी गई है। फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस जोधपुर, जिसमें वेबसाइट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 25/8/2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें दिया गया है कि रिक्रूटमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ द प्योरली टेम्परेरी बेसिस वैकेंसी रहने वाली है। एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट टिल्ड होम बेस्ड पेलिएटिव केयर इन द जोधपुर के अंदर वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें एप्लीकेशंस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इनवाइट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन द टेम्परेरी बेसिस रहने वाली है। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट एंड इन्फॉर्मेशंस में अगर बात करें तो यहाँ फर्स्ट जो वैकेंसी है डॉक्टर की वैकेंसी एक पोस्ट रहने वाली है और एमबीबीएस इसमें क्वालिफिकेशन से एज लिमिट कोई भी इसमें रखी गई है, जो प्रोफाइल आप देख सकते हो। देन आप नर्सिंग की वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे। इसमें जो सैलरी आपका रहने वाला है 65,000 पर मंथ आपका सैलरी रहने वाला है और 2/9/2022 को इसका डेट एंड टाइम ऑफ द वॉक इन इंटरव्यू का आपको यहाँ पे रखा गया है, सुबह 9 बजे का। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में, जिसकी भी 1 पोस्ट है और डिप्लोमा इन द फिजियोथेरेपी आपका होना जरूरी है। इसमें आपको पर मंथ 35,000 पर मंथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। थर्ड जो वैकेंसी है जो अपने नर्सिंग की वैकेंसी है, पेलेटिव केयर नर्स की वैकेंसी है, 2 यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। असेंशियल अगर क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें तो BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ विथ स्टेट और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इसमें BSc नर्सिंग को यहाँ पे अप्लाई करना है। अदर कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकता है। एज लिमिट 40 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोफाइल की अगर बात करें तो विल वर्क एज पेलेटिव केयर नर्स फ्रॉम द 9 to 5 PM फ्रॉम Monday to Saturday 6 day a week। दिस विल बी इंक्लूड्स OPD वर्क्स एंड पीरियोडिक होम विजिट अराउंड जोधपुर एंड सब अर्बन एरियाज आर रिक्वायर्ड एंड बी एबल टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर एंड ट्राइज पेलेटिव पेशेंट अप्रोप्रिएटली। ओके, शुड कोऑर्डिनेट्स विथ PI फॉर ऑल प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़। यह आपका वहाँ पे जॉब प्रोफाइल रहने वाला है। डिजायरेबल इसमें दिया गया है कि आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट प्रोफेशनरी इन द हिंदी इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज और ट्रेंड इन द पेलेटिव केयर आपका होना जरूरी है। ये डिजायरेबल इसमें रखा गया है। जॉब ड्यूरेशंस की अगर बात करो तो 11 मंथ तक आपकी जॉब है। देन अनोदर 9 month आर एक्सटेंडेड विल बी द पॉसिबल बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑन द कैंडिडेट्स। 11 मंथ की जॉब है और 9 month आपकी परफॉर्मेंस के आगे आधार पे उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। पैलेस ऑफ द वर्क जोधपुर रहने वाला है और मंथली सैलरी आपको 30,000 पर मंथ यहाँ पे मिलने वाला है। डेट टाइम ऑफ द वॉक इन इंटरव्यू का भी 2/9/2022 रहने वाला है। सुबह 9 बजे तक आपको जोधपुर जो एड्रेस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ पे पहुँच जाना है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है मेडिकल सोशल वर्कर की एक वैकेंसी है। देन सेकंड वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसकी भी एक वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो नोटिस दिया गया है, ऑल कैंडिडेट्स शुड सबमिट्स द फील्ड एप्लीकेशंस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स एंड बायोडाटा ऑन द डे ऑफ द वॉक इन इंटरव्यू एंड शुड अपीयर इन द पर्सन फॉर द वॉक इन इंटरव्यू अलॉन्ग विथ ऑल द रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 1 set for self-attested photocopies of documents regarding age, qualifications, relevant experience, सितंबर 2022 फॉलोइंग एड्रेस। आपको 2 सितंबर 2022 को आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स सारे साथ में लेके प्लस जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया अभी मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ उसको भी फिलअप करके साथ में ले जाना है। सुबह 9 बजे तक आपको वहाँ पे पहुँचना है। जो एड्रेस है रिसर्च सेक्शन, ओके, रिसर्च सेक्शन, रूम नंबर C 116, फर्स्ट फ्लोर, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ द मेडिकल साइंस, जोधपुर। इस एड्रेस पे आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। और कुछ टर्म कंडीशंस यहाँ पे रखी गई है कि रिपोर्टिंग टाइम्स फॉर द कैंडिडेट्स स्टार्ट एट्स 9 AM on the September 2, 2022 and closing times for reporting for the interviews 10 AM on the September 2, 2022, after which no additional candidates would be entered in the interview। 9 बजे तक आपका 9 से 10 बजे तक आपका इंटरव्यू का एंट्रेंस टाइम है, ओके। उसके बाद वहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं रखी जाएगी। वैकेंसी ये टेम्प्रेरी बेसिस रहने वाली है जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, और कोई भी इंक्वायरी यहाँ पे आफ्टर डेट के बाद में नहीं रहने वाली है। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट दिए गए हैं। अगर आप दूसरी जगह अभी प्रजेंट टाइम में वर्किंग हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आपको लेना जरूरी है। कोई भी TAD आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के टाइम में। द सैलरी इन कंसोलिडेटेड सम विदाउट एनी अदर बेनिफिट्स एंड इट इज बेस्ड एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, स्किल सेट्स, इट इज फॉर ऑफ द कैंडिडेट्स। ये सारा इसमें डिटेल में दिया गया है तो आप इसको पढ़ सकते हो। और प्लीज़ नोट दैट ऑल द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड टू एनक्लोज विद द एप्लीकेशन फॉरम, अदरवाइज द एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इनकम्प्लीट। मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है सारा कंप्लीट आपको लेके जाना है। एक सेट वहाँ पे आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करके आपको जेरोक्स के रूप में वहाँ पे लेके जाना जरूरी है। और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी साथ में लेके जाना जरूरी है। नेक्स्ट, फॉर्मेट फॉर द एप्लीकेशंस, यहाँ पे आपका फोटो लगाना है। नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, परमानेंट जो भी आपका एड्रेस है वो वाला। देन एड्रेस, कोरस्पॉन्डेंस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, लैंडलाइन नंबर, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक्सपीरियंस यदि आपके पास में है तो भी आप इसमें लिख सकते हो। देन सिग्नेचर, और जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखा है उसको इनक्लोज करके यहाँ पे लिख देना है। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप। इसमें कोई भी आपका फीस नहीं रहने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म रहने वाला है। इंटरव्यू के माध्यम से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट वैकेंसी के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।